हेलो, वेलकम, नमस्कार। माय सेल्फ इज अभिलाष शर्मा, लेक्चरर कॉमर्स हियर ऑन माय चैनल जानकारी हेत, अगेन विद यू अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो ये 16 वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाली है, उसमें मैंने क्लियरली जो अकाउंटिंग इक्वेशन की इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इक्विटीज क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल में उसी वीडियो में शेयर किया है। आप वहां जाएं, ये 16 वीडियो को देखें, वहां ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, सी अ 16 वीडियो टू सी द डिटेल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फिर आज क्या करेंगे हम? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बिजनेस ट्रांजेक्शन के साथ क्या रिलेशन है भाई, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको कैसे शो करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंडर, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड विद विद मी विद टू दिस टॉपिक। यस डियर स्टूडेंट, इन ब्रीफ, जल्दी जल्दी से भागते भागते करते हैं, अकाउंटिंग समीकरण या लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन को मैंने उस वीडियो में बताया जैसे मैंने पहले बताया, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का एक बेस है, फाउंडेशन है ये उसका। अगर हमने बेस को मजबूत किया तो सोचो इमारत बहुत बुलंद खड़ी करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखनी होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम ये बात निश्चित कर देते हैं कि जितनी भी एसेट्स हैं बिजनेस की वो टोटल इक्विटी के बराबर होती हैं। इक्विटी क्या है? आई हैव क्लियर इट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। वी नो दैट कैपिटल भी तो लाइबिलिटी होती है। यस, ये भी तो देनदारी है ना बिजनेस की, पर दोनों को डिफर किया गया है क्योंकि इक्विटी के दो पार्ट बनते हैं, वन इज इंटरनल, सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल। जैसे यहां दिखाया मैंने, इक्विटी का मतलब इंटरनल इक्विटी वो है विच बिलोंग्स टू ऑनर्स कैपिटल, उसे हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। एक्सटर्नल इक्विटीज क्या है? अदर देन कैपिटल, और भी जो लाइबिलिटीज हैं कैपिटल के अलावा, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज हैं, वो सब के सब एक्सटर्नल इक्विटीज हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर, एक एक शब्द को बहुत आराम से समझाया गया है भाई, वहां देखना बहुत जरूरी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ये तो। हमने जहां से शुरू करना है वो हमने इस बात को पकड़ना है। ये मैंने यहाँ पे रेड सर्कलाइज किया, इसको ध्यान से देखो, लाल एक चक्र बनाया, इसको हाईलाइट किया। ये है बेसिक इक्वेशन। हमें पता है जो इक्विटीज मींस टोटल लाइबिलिटीज होती हैं वो बिजनेस की टोटल एसेट्स के इक्वल होती हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, इक्विटीज मींस कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। सो बेसिक इक्वेशन क्या बनी? एस द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये ध्यान रखना होगा। और फिर हमें ये भी पता है कि अगर इस इक्वेशन में से किसी एक का हमें वैल्यू नहीं पता तो हम एल्जेब्रिकली उसमें वैल्यू पुट करके कैपिटल लाइबिलिटी या एसेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दो डिफरेंट इक्वेशन इसी बेस पर बनाई गई हैं। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखो, हमने इसको समझना है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स। आवर बिजनेस जो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है उस अकाउंटिंग इक्वेशन को करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से समझना होगा। फर्स्ट पॉइंट, एनी एक्सपेंसेस और लॉस मींस डिक्रीज इन कैपिटल। इसको समझो, अगर बिजनेस में किसी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉस से रिलेटेड है, इसका मतलब बिजनेस का लॉस हो गया, खर्चा होगा तो लॉस होगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसका मतलब, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होते हैं ऑनर की, तो अगर लॉस होगा या कोई एक्सपेंसिव होगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। क्लियर? सेकंड वन, एनी इनकम गेन और प्रॉफिट, अगर कोई आय होती है, कोई लाभ होता है, दिस मींस इंक्रीज इन कैपिटल, वो तो नेचुरल है।
अगर इनकम गेन होगा तो नेचुरली बिजनेस में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहाँ ऐड होते हैं कैपिटल में, तो कैपिटल क्या हो जाएगी इंक्रीज, ये ध्यान रखना हमें। एक बात और, क्रेडिट परचेज मींस इंक्रीज इन क्रेडिटर। जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो सप्लायर्स को पैसे देने होते हैं आने वाले टाइम में, तो नेचुरली वो हमारे क्रेडिटर्स बनेंगे, तो क्रेडिट परचेज हुई तो क्रेडिटर्स में इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखना भाई, ये हमारे काम आने वाली बात है आज के जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। क्रेडिट सेल मींस इंक्रीज इन डेटर्स। इसी तरह से अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो पैसे हमें आने हैं इनकमिंग फ्यूचर, कोई ना कोई व्यक्ति हमें पैसे देगा जिसको हमने सेल किया वो देगा, तो वो बिजनेस क्या क्या बन जाते हैं, डेटर्स। जब भी क्रेडिट सेल होगी मींस इंक्रीज इन डेटर्स, जब भी क्रेडिट परचेज होगी मींस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्लियर हो गया। आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, ये देखो ध्यान से, पर्पल में मैंने एक हाईलाइट किया है, आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन वी गॉट AE। AE क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, समझे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इन की पॉइंट्स को पकड़कर चलना होगा, अगर हमने इनको छोड़ दिया ना तो अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकली हमें समझ नहीं लगेगी। एक्सपेंसेस मींस डिक्रीज इन कैपिटल, इनकम मींस इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट परचेज मींस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल मींस इंक्रीज इन डेटर्स, और हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगी हर बार, और उसमें क्या होगा, टोटल ऑफ एसेट्स will be equal to total of total liabilities. Total liability means liability plus capital. Clear हो गया ये? अब चलते हैं question की ओर। Yes, हमें ये जो effects हैं business transaction के, show in the effects of transaction in AE. AE क्या है, accounting equation. First देखो ध्यान से, मैं question बाद में पढ़ाता हूँ आपको, हमें ये ध्यान रखो कि हमारे पास ये first transaction है, उसको हम देखते हैं। उससे पहले ये फॉर्मेट देखो, क्योंकि मैंने बताया टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, तो हमें जो भी हमारी शीट होगी उसको तीन हिस्सों में बांटेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस वन, नीचे तक इसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन है क्या उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद जितना भी पेज हमारे पास होगा, शीट होगी, उसको दो हिस्सों में बांट देंगे, एक तरफ एसेट्स हाफ में लाइबिलिटीज, जैसे यहाँ रेड लाइन डाली हुई है बीच में, इधर एसेट्स इधर लाइबिलिटीज, फिर एक लाइन छोड़ लेंगे, ये ब्लैक लाइन है। ये जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे नई नई एसेट्स बनती चली जाएंगी और नई नई लाइबिलिटीज। क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को, ये जो कैश मशीनरी गुड्स, ये पहले नहीं लिखना, ट्रांजेक्शन पढ़नी पड़ेगी, फिर ये कम ज्यादा हो जाती है एसेट्स और लाइबिलिटीज। S started business with cash rupees 40,000 and machinery 20,000. S है कोई भी, उसने business शुरू किया, 40,000 cash था, 20,000 machinery थी, this means capital लेकर आया business में cash और machinery के रूप में। सबसे पहले number first capital introduced, ये transaction का description है। अब तीन account factor हो रहे हैं, cash, machinery और capital, इसलिए मैंने पहले यहाँ cash लिख दिया assets में, प्लस एक नया अकाउंट आ गया मशीनरी, क्योंकि बिजनेस में मशीनरी भी आ रही है। तीसरा अकाउंट जो इफेक्टेड हुआ, जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे गुड्स कैश या एसेट्स के रूप में, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिखा दी, ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ दिखानी है, आप इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हो आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ ही शो करनी है कैपिटल। ओके, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश आया 40,000 cash plus machinery 20,000 capital 60,000। okay, बाकी मत देखो ये goods stock creditor, इनकी तरफ ध्यान मत दो अभी। मैंने बोला था आपको हर business transaction के बाद accounting equation बनेगी। First AE क्या बनी, accounting equation, हमारे पास total cash कितना हो गया 40,000, machinery कितनी होगी 20,000, capital कितनी होगी 60,000। दोनों को जब एसेट्स को ऐड किया तो दोनों का जो जो सम है एग्रीगेट है वो कितना आ गया 60,000, और हमारे पास जो कैपिटल है वो भी कितनी है 60,000। एसेट लायबिलिटी बराबर, यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000, गुड्स परचेज की हैं अभी,
सप्लायर का नाम नहीं है तो इस मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है, दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए, एक गुड्स जर्नल एंट्री करते हैं, हम परचेज दिखाते हैं, यहाँ पे गुड्स एज ए स्टॉक होता है, ध्यान रखना जब भी परचेज होगी गुड्स की तो स्टॉक हमारा बढ़ जाता है और जब सेल होती है तो स्टॉक कम हो जाता है, ये ध्यान रखना। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज की तो हमारी दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए, एक तो कैश एक गुड्स, गुड्स आ रही है और कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है क्योंकि हमने पेमेंट की है, तभी तो देखो सेकंड ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज कैश के नीचे माइनस 5000 क्योंकि कैश कम हो गया पेमेंट कर दी, और इधर हमने एक तीसरी एसेट क्रिएट कर दी, गुड्स भी लिख सकते हो आप इसको, स्टॉक भी लिख सकते हो, बात है कि 5000 की गुड्स उसमें ऐड होगी हमारे पास, पहले तो थी नहीं, हमारे पास 5000 की गुड्स आ गई, ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट पूरा हो गया, 5000 का कैश गया और 5000 की गुड्स आ गई, वो प्लस और कैश क्या हो गया माइनस, और ना तो मशीनरी पे कोई असर पड़ा ना कैपिटल पे, यहाँ पे हम निल जीरो या डैश लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा हो, जीरो भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी जीरो लिख सकते हो, यहाँ भी जीरो, मतलब तो इन पे कोई असर नहीं है इस ट्रांजेक्शन का। अब मैंने बोला था हर ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, सेकंड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, 40,000 कैश था, 5,000 माइनस हो गया, तो माइनस होके जो कैश है वो रहेगा 35,000, मशीनरी 20 ही थी उस पे कोई चेंज नहीं आया, मशीनरी 20,000 ही रही, एक नई एसेट क्रिएट हुई गुड्स और स्टॉक, 5,000 के साथ गुड्स प्लस हुई है तो नई एसेट कितनी होगी 5,000, ये हमारी एसेट होगी। लाइबिलिटी साइड में देखो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं था इस ट्रांजेक्शन का, तो कैपिटल पे जीरो इफेक्ट, कैपिटल पहले भी 60,000 थी अब भी कितनी होगी 60,000, अब जो लाइबिलिटी साइड का टोटल 60,000, इनका टोटल करके देखो ये भी कितना हो गया एसेट्स का 60,000, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें हम यही तो कहते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000 फ्रॉम मोहित, मोहित से हमने गुड्स परचेज की हैं, अभी परचेज की हैं, गुड्स बढ़ रही हैं, बट ध्यान रखना क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए क्योंकि उनको पैसा देना है, मोहित को पैसा देना है, जितने भी मोहित सोहित सुरेंद्र महेंद्र होंगे वो सारे क्रेडिटर्स हैं, अगर परचेज करते हैं, अगर सेल हो फिर वो डेटर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए हमने, क्योंकि जब गुड थर्ड देखो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यहाँ जब हम शो कर रहे हैं कैश मशीनरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं, गुड्स हमारी कितनी होगी 4,000 एड होगी क्योंकि हमने परचेज की, और लाइबिलिटी साइड में हमारा एक नया लाइबिलिटी क्रिएट होगी दैट इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखे तो 4,000 के क्रेडिटर, ये क्रेडिटर कौन है मोहित है, अगर कोई और भी होगा वो भी इन्हीं क्रेडिटर्स में हम ऐड करते चले जाएंगे, अगर क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, अगर कम होंगे तो माइनस कर देंगे, ये तो साफ है। अब देखो इस ट्रांजेक्शन का गुड्स और क्रेडिटर्स पे इंपैक्ट पड़ा, कैश मशीनरी और कैपिटल में हमने डैश 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 शो किया, थर्ड एंट्री के बाद थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, कैश 35 था 35 ही रहा, मशीनरी 20 थी 20 ही रही, जो गुड्स से 5 + 4 9,000 हो गई और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्रेडिटर्स 4,000, कैपिटल पहले भी 60 थी अब फिर 60 ही रही, दोनों साइड का टोटल करोगे तो 64,000 आएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स रुपीज 3,000, गुड्स सेल की है, नाम नहीं दिया किसको सेल की, तो कैश सेल है, दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, एक कैश और एक गुड्स पे, क्योंकि जब सेल करते हैं तो गुड्स जाती हैं बिजनेस में कम हो जाती हैं। आओ देखें इसको कैसे शो करते हैं, गुड्स सोल्ड कैश आ गया, पहली ट्रांजेक्शन कैश के नीचे हमने 3,000 प्लस कर दी, नीचे गुड्स चली गई, गुड्स के कॉलम में सबसे नीचे देखो ध्यान से 3,000 की गुड्स कम होगी माइनस 3,000, कैश आ गया प्लस 3,000, गुड्स चली गई क्योंकि सेल की है तो माइनस 3,000 कम होगी गुड्स, तो हमारे पास और किसी अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, डैश 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 सभी जगह पे, मशीनरी में भी क्रेडिटर में भी और कैपिटल में भी। अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी तो फोर्थ ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है तो फोर्थ अकाउंटिंग इक्वेशन आएगी, 35 + 3 कैश कितना बन गया 38,000, मशीनरी पे कोई चेंज नहीं 20,000, स्टॉक में चेंज आया 9,000 माइनस 3 कितना रह गया 6,000, क्रेडिटर्स नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 4,000, कैपिटल 60,000 थी अभी उतनी ही है कोई चेंज नहीं,
ध्यान रखना, नो क्रेडिटर ध्यान रखना, ये मैंने गलती से बोला गया, क्रेडिटर 4000 ही थे, 4000 ही रहे क्योंकि यहां पर कोई चेंज नहीं आया। तो फोर्थ अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश 38, मशीनरी 20, गुड्स या स्टॉक 6000, जब हम इनको ऐड करते हैं और लाइबिलिटीज को ऐड करें 4000 और 60000 को, तो दोनों साइड का टोटल हो गया 64000। दैट इज फोर्थ अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर फोर्थ ट्रांजैक्शन। क्लियर आया, समझ लगा? अब ये फोर्थ हमारी भी शीट कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट फेज पे जाना है हमें। इन बैलेंसेस को आगे ऐसे ही लेके जाना होगा, फोर्थ इक्वेशन को हम ऐसे ही लिखेंगे, आगे कुछ ट्रांजेक्शन और करते हैं। यस, एसेट्स लाइबिलिटीज डिटेल यहाँ ट्रांजेक्शन की जो हमने लिखनी है, कैश मशीनरी स्टॉक ऐसे ही हमने लिखा, जितना बैलेंस था 38,26,000 पीछे वाला बैलेंस जो पिछली शीट पे लिखा था वो ऐसे लिखी गई, इसी तरह से क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। अब ट्रांजेक्शन देखो नीचे लिखी है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमित 3000। अब क्रेडिट सेल किया अमित को, जब क्रेडिट सेल किया तो पैसे आएंगे ना, अभी बिजनेस के डेटर्स क्रिएट हो गए हैं, तभी तो मैंने ध्यान से देखो स्टॉक के बाद यहाँ पर एक नई एसेट डाल दी, डेटर्स। समझ आया? जैसे जैसे एसेट्स ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग बनेंगी तो हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो लाइबिलिटीज ऐसी ऐड होती रहेगी लाइबिलिटी साइड में। अब डेटर्स एक नई एसेट क्रिएट होगी। अब जब हमने गुड्स सेल की तो एक तो देखो फिफ्थ ट्रांजेक्शन को शो कर रहा हूँ, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब लिख सकते हो अमित को सेल की, यहाँ जगह कम थी आप लिख सकते हो। अब आओ जब आप प्रॉपर शीट पे करोगे स्पेस हो तो अमित लिख सकते हो, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमित। ओके, कैश मशीनरी इन पे कोई इंपैक्ट नहीं, जब हमने गुड्स सेल की तो 3000 की गुड्स माइनस होगी, तभी तो यहाँ पे माइनस साइन शो किया, और हमारी एक नई एसेट क्रिएट होगी डेटर्स, क्योंकि अमित से पैसे लेने, अमित इज अ डेटर। ओके, तो और किसी अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। फिफ्थ अकाउंटिंग इक्वेशन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन के क्या बाद बनी क्या बनी, कैश 38 था अब भी 38, मशीनरी 20 थी 28, स्टॉक 6-3 कम होकर 3000 रह गया, डेटर्स एक नई एसेट क्रिएट हुई 3000, क्रेडिट और कैपिटल वैसे ही है, दोनों साइड का टोटल किया तो कितना आ जाएगा 64000। दैट इज फिफ्थ अकाउंटिंग इक्वेशन। सिक्स देखो, रेंट पेड, एक्सपेंसेस किया भी, पे किया, कैश चला गया, मैंने बताया था अगर खर्चा होता है एक्सपेंसेस होता है तो कैपिटल कम हो जाती है, अगर इनकम होती है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, मैंने बताया था आपको। अब देखो रेंट पे, कैश में से 1000 कैश चला गया, रेंट पे कर दिया हमने, और उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट पड़ा कैपिटल पे, जितना एक्सपेंसेस और लॉस होंगे कैपिटल कम हो जाएगी, -1000 कैपिटल होगी, और मशीनरी स्टॉक डेटर क्रेडिटर्स इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, तभी यहाँ पे डैश 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 या जीरो लिख देंगे। फिर सिक्स्थ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई, सिक्स ट्रांजेक्शन के बाद कैश हो गया 38 -137, मशीनरी 20,000, स्टॉक 3,000 और डेटर्स 3,000, और इसके अलावा हमारे पास जो क्रेडिटर थे वो 4,000 ही थे, 4,000 ही रहे, कैपिटल कम हो गई है 60-1 कितनी रह गई 59,000। ओके, 59+4 ये बन गया 63,000, आप एसेट्स का टोटल करेंगे वो भी कितना आ जाएगा 63,000, दोनों साइड बराबर। दैट इज सिक्स्थ अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। सेवन्थ देखो नीचे, इंटरेस्ट रिसीव 2000, इंटरेस्ट मिला भी हमने 2000, इनकम होगी, कैश आ रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, मैंने बताया अगर इनकम होती है गेन होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, इंटरेस्ट रिसीव। ओके, रीजन है उसका, जब इनकम ज्यादा होगी तो बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कहाँ जाते हैं कैपिटल में, प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ गई, इसका मतलब ऐसी एक्सपेंसिव में रिवर्स हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं तो कैपिटल कम हो जाती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड 2000 कैश हमें मिल गया, इसके अलावा कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी, इनकम है, तो सेवंथ ट्रांजेक्शन के बाद सेवंथ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, मशीनरी स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट नहीं था इस ट्रांजेक्शन का, 37+2 39,000 कैश हो गया, मशीनरी स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स ये सेम रहे जितने थे पहले इक्वेशन में, और जो कैपिटल थी 2000 के साथ प्लस हुई 61,000। क्लियर हो गया, ये सेवंथ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब है एट्थ ट्रांजेक्शन,
अब ध्यान से देखो, एट्थ ट्रांजेक्शन क्या है। रिसीव्ड रुपीज 1000 फ्रॉम अमित, अमित से हमें 1000 रिसीव हुए। अमित हमारा डेटर था तो 1000 रिसीव हुए। देखो एट्थ ट्रांजेक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित, कैश हमारा 1000 के साथ इंक्रीज हो गया, डेटर्स कम हो गए, उनसे पैसे आ गए हैं 1000 के साथ, और बाकी किसी अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर फाइनल ट्रांजेक्शन क्या बनी, कैश 39 प्लस 140, मशीनरी 20, स्टॉक 3, डेटर्स 2, क्रेडिटर्स 4 और कैपिटल 61,000। लाइबिलिटी साइड को ऐड किया, 61 प्लस 4 65, और जब एसेट्स को टोटल करेंगे वो भी 65, बोथ साइड्स आर इक्वल, दैट इज फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पर एक बात ध्यान रखो डियर स्टूडेंट्स, हमें पेपर में ऐसे कलरफुल नहीं बनाना, ये समझाने के लिए था। पेपर में जनरली जब क्वेश्चन आता है वो कैसे होता है, इस रूप में, यहाँ पे ट्रांजेक्शन की डिटेल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, आप ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट शो करते चले जाओगे, और नीचे हर बार ये फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सेकेंड अकाउंटिंग इक्वेशन, और फिर ऐसे ये थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर ये फोर्थ अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर ये फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी। इस रूप में उसका रूप होता है, ध्यान रखना हमें। और बीच में लाइन मार सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, एसेट्स बढ़ेंगी तो एसेट्स को ऐड करते चले जाएंगे, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज कम होगी तो कम लिख देंगे, ज्यादा है तो उतने हेड्स बना लेंगे। दैट इज अ बेसिक फॉर्मेट जो हमने एग्जाम में जब करते हैं। आई थिंक द हॉल क्लियर, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा होगा। अगर कोई इशू है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, पहले तो पीछे वाली वीडियो देखें, फिर इस वीडियो में उस हिस्से में जाकर दोबारा से चेक करें। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपको नई वीडियोस इस चैनल पे और मिलती रहेंगी। और तब तक इंतजार करें एक नए इशू के साथ, नए टॉपिक के साथ। मायसेल्फ विद अभिलाषी शर्मा विल बी हियर विद न्यू वीडियो हियर। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।